आदाब, आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स, मैं हूं आपके साथ साइमा काजी। आए डालते हैं अभी तक की खास सुर्खियों पर एक नजर। राजभवन जम्मू के बाहर सड़क हादसा, नतीजे में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एहलकार हुआ हलाक। गैर संजीदा पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को बना दिया जहन्नम, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा नई दिल्ली को कश्मीरियों के एहसास को समझना होगा। के देही इलाकों में मुश्तबा मिलिटेंटों की नकलो हरकत, फौज और पुलिस की तलाशी ऑपरेशन जारी, लोगों से भी की जा रही पूछताछ। जम्मू कश्मीर इंतजामी काउंसिल का अहम फैसला, नगरोटा में नेशनल इंस्टीट्यूट वायरोलॉजी को किया जाएगा कायम। लाजमीन के महंगाई भत्ता में 4% इजाफा, बुनियादी तनख्वाह पर महंगाई अलाउंस की शर 48% तक पहुँची। वादी में सर्दी के तेवर इंतहाई सख्त, 40 साल बाद जिले कलां से कब्र श्रीनगर मनफी 5.3 डिग्री सेल्सियस पर मंजमद। पुलिस सरबरा का अवामी शिकायत का अजाला प्रोग्राम, बूढ़ी बेवा को 12 साल तवील इंतजार के बाद मिला इंसाफ। श्रीनगर में जेर तामीर फ्लाई ओवर पर काम की रफ्तार तेज, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के मुताबिक भीमना और सनत नगर फ्लाई ओवर 2024 के वस्त तक खोले जाने की उम्मीद। और जम्मू कश्मीर में 5 मकामात पर तलाशी कार्रवाई, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डिजिटल और मजरमाना मवाद किया बरामद। के साथ ही सुर्खियों का ये सिलसिला हुआ इख्तिताम पजीर, आप देखते रहें अर्ली टाइम्स।